हाय फ्री फायर लवर, आप लोगों के लिए फिर से एक नया इवेंट और अपडेट के न्यूज़ लेके आया हूँ। तो हमारा वीडियो को दोस्त पूरे फुल वॉच कर लेना और क्या कुछ आने वाला है आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, हमारा इस बार इबो फिश का स्किन भी आने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों हमारे इबो गन अगला कौन सा होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को आखिर अब भी वॉच करना दोस्तों, पूरे वीडियो को देखना वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो दोस्तों इस बार वो भी 37 का अपडेट के बाद हमारे सबसे बड़े जो है क्लास पार्ट में चेंज होने वाला है, जो ग्रेनाइट, जो नया ग्रेनाइट ऐड होने वाला है। इस ग्रेनाइट से बहुत कुछ यार बहुत कुछ गेम में चेंज होने वाला है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को जब पता चलेगा, देखोगे तो आप लोग भी बोलोगे यार ये क्या है। तो एक ग्रेनाइट पहले से यूज करते थे हम सब, मालूम है उस ग्रेनाइट पर फेंक देते तो फूट जाएगा। तो इस ग्रेनाइट को अगर आप फेंकोगे जहाँ पर, वहाँ एक सर्कल सा बन जाएगा और लाइट की तरह रोशनी एक नीचे से निकलेगा। उस रोशनी के ऊपर जाओगे तो आपको आपको जंप करना पड़ेगा नहीं, अपने आप ऊपर कूदने लगोगे। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इस तरह से आप अगर जाओगे उसके बीच में तो आप अपने आप कूदने लगोगे और आसानी के साथ बहुत ऊपर छलांग मार सकोगे, छलांग लगा सकोगे। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी एनिमी को यार सरप्राइज दे सकते हैं, कहीं भी कूद के यार ऊपर चढ़ जाएंगे तो मालूम ही नहीं चलेगा एनिमी को जो बंदा कहाँ है, कहाँ से मारा है। यार बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा इस अपडेट के बारे में ज़रूर बताना। और मेरे भाई, और एक चीज़ जो हमारा गन में जो चिप लगता है ना, जो गन का खतरनाक रूप से उसका जो चिप लगा के जो यार गन को लेवल अप करते हैं, तो इस बार वो भी 37 का अपडेट के बाद ऐसा है यार, M10 में भी वो चिप आने वाला है, लगने वाला है। यार इस बार तो बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा M10। अगर आप लोगों के पास पहला से कोई बढ़िया M10 का स्क्रीन है तो यार बहुत ही बढ़िया घातक चलने वाला है इस बार। यार बहुत दूर से रेंज से भी आप मार सकोगे बंदे को, देख लेना। आपको मैं दिखाता हूँ यार कितने दूर से भी आप कितने दूर से भी मारोगे तो यार बहुत ज़्यादा डैमेज आएगा। M87 का भी इतना डैमेज नहीं देता है इतना रेंज से, ऐसे लग रहा है M10 इस बार बहुत ज़्यादा घातक चलने वाला, हर बंदा को पसंद आएगा। तो दोस्तों देखना इसका वीडियो कैसे चल रहा है यार, देखना। ये देखो मैं इतने दूर में आ गया, यहाँ से भी मार रहा हूँ तो डैमेज दे रहा है। इतने दूर से कभी नहीं अगले देता था, चिप लगने के बाद बहुत ज़्यादा घातक हो गया है यार। इतने दूर से ही मार रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा डैमेज। और दोस्तों नया इनक्यूबेटर बंडल भी आने वाला है, उस बंडल का कुछ तस्वीर मिला है आप लोगों को दिखाता हूँ, देख लो। इस तरह का बंडल आने वाला है नया इनक्यूबेटर। और भाई ये रहा हमारा इगो फिश का स्किन, ये पूरे तरह से अभी डिजाइन नहीं हुआ, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, फिलहाल अभी ऐसे ही दिखा रहा है। जब हमारे गेम पे आएगा तो बहुत ज़्यादा घातक लुक लगेगा देखने में, बहुत ज़्यादा घातक होगा इस बार फिश स्किन पे। यार इगो में कन्वर्ट हो गया, अगला बार फिर कौन क्या कन्वर्ट होता है इगो में देखना पड़ेगा। और दोस्तों ये रहा वो गन स्किन, ये कौन सा गन होने वाला है मालूम अभी तक नहीं चला, लेकिन ये इगो गन होगा, इस तरह का लीक ज़्यादा तो आ रहा है। तो यार ये इबो गन होने वाला है, अगला इबो गन कौन सा गन होगा अभी कंफर्म नहीं हुआ। इस तरह का गन अभी लुक निकल के आया है, देख लो अच्छा लग रहा है, कलर निकल के आया, अभी पूरा तैयार नहीं हुआ। जब तैयार हो जाएगा पूरा तो बाद में पूरा आपको दिखाऊंगा इसका भी वीडियो, तो आप देखते रहना। और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना यार दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों एक नया इवेंट भी आने वाला है, वो है फुटबॉल मैच ऐसा इवेंट कुछ आने वाला है, उसका कुछ लीक निकल के आया है, उसका कुछ वाल भी निकल के आया है, उसका कुछ फोटो वगैरह भी निकल के आया है, आप लोग के सामने मैं दिखाता हूँ। ये रहा कुछ नया डिजाइन का वाल, उसके अंदर एक वाल गौर से देखो, जो बॉल फुटबॉल का लोगो देके वाल का डिजाइन किया है इस तरह का। यार लग रहा है ऐसे जो अगला कोई फुटबॉल के इवेंट आएगा, कोई फुटबॉल लेके कोई नया इवेंट आ सकता है इसका डिजाइन पे। और दोस्तों क्या बताऊँ, इसके बाद जो एक नया जो इलाइट पास आने वाला है, बहुत ज़्यादा हाइप मच रहा है इसका, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इलाइट पास आने वाला है, इबो इलाइट पास ऐसे बोल रहा है। यार ये इलाइट पास में बहुत ज़्यादा घातक
चीज होने वाला है इसका जो दिखा रहा है यार, एक बंडल मिलेगा इन कलर का बंडल मिला, और आप डिजाइन भी कर सकोगे अपने हिसाब से, आप कलर भी चेंज कर सकोगे अपने हिसाब से। ये रहा वो बंडल, देख लो कैसा लग रहा है एलियन की तरह। तो यार इस बार तो बहुत धमाका होने वाला है यार इसमें। इस बार तो वाल भी दे रहा है, पहले कभी लाइट पास में वाल नहीं दे रहा था, इस बार वाल भी मिलेगा आप लोग को, बंडल भी कस्टमाइज करने को मिलेगा आप लोग। देखो इस बंडल को अच्छा लग रहा है यार, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है किस महीने में आएगा, ज़्यादा तो यही लीक निकल जा रहा है, जनवरी महीना से आ सकता है इस इलाइट पास को। खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा डायमंड लग सकता है। अगला क्या होता था जो हम लोग पहले क्या होते थे, हम लोग 400-500 डायमंड देख इलाइट पास खरीद लेते थे, इस बार लगता है ऐसा जो 1000 या 1100 डायमंड खर्च करना पड़ेगा। और यार इसमें एक बात ये भी है, इसमें बेजेस का कोई मतलब इसमें कोई सीन नहीं, इसमें तो लेवल दिखा रहा है, तो ये कौन सा वाला लेवल पूरा करने पर मिलेगा ये सारा सब कुछ, तो जब आएगा हमारे गेम पे आप लोग को दिखाऊंगा, पता भी चल जाएगा, तब देखना क्या होता है क्या नहीं होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर बाद में आएंगे और बहुत सारे इवेंट अपडेट लेके आएंगे। तो वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। एक लाइक और सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं होगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा। तो दोस्तों आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के पास ले आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए चलते हैं, ठीक है।